न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इससे पहले हमने एक जो चैप्टर कंप्लीट किया है कैश बुक, उसका इस चैप्टर में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आने वाला है, क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ी हुई कोई स्टेटमेंट है। और हमने कैश बुक जब चैप्टर किया था तब हमने कई टाइप की कैश बुक की थी। एक सिंपल कैश बुक थी जिसके अंदर सिर्फ कैश कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक दूसरे टाइप की भी कैश बुक हमने की थी उसके बाद, टू कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर हम कैश के साथ साथ किसका हिसाब भी रखते हैं, बैंक का भी सारा का सारा हिसाब रखते हैं। अगर हम बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक अकाउंट जो कैश बुक में होता है उसके अंदर बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं, और विड्रॉ करते हैं तो उसे डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हम बैंक से जुड़े रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैंक से जुड़ा कुछ करने वाले हैं, हमें कैश बुक की नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए कि कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे होते हैं इन द बैंक कॉलम। पहली बात, कैश बुक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें कैश बुक के दो कॉलम जो होते थे कैश और बैंक, दोनों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें बैंक से जुड़ा काम करना है। इसलिए कैश बुक के अंदर कौन से कॉलम की नीड पड़ेगी इस काम को करने के लिए, स्टेटमेंट को बनाने के लिए, बैंक कॉलम की ही जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं कि बैंक कॉलम जब हम बनाते थे कैश बुक में तो उसमें किस हिसाब से जर्नल एंट्री की पोस्टिंग जो है वो की जाती थी। हमारे पास कैश बुक होती थी, कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते थे, एक कैश दूसरा बैंक। इधर भी एक कैश का कॉलम होता था और एक होता था बैंक का कॉलम। ये होती थी हमारी टू कॉलम कैश बुक। जब भी हमें पैसा मिलता था, अब क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, कैश वाले कॉलम में जो होता था मैं उसकी बात अब नहीं करने वाला। मुझे फोकस कहाँ पे रखना है, बैंक की स्टेटमेंट है तो सिर्फ बैंक के बैलेंस पे कब असर पड़ता है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कब हमारा असर पड़ता है, कभी कभी हमारा किसी ट्रांजैक्शन से बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है और बैंक हमारी असेट होती है, असेट होती है तो बताइए जब वो इंक्रीज़ होते हैं तो कौन सी साइड में आप उसे शो करते हैं, डेबिट साइड में। यहाँ पर आप लिखते हैं जब भी आपका बैंक बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज भी हो जाता है। जब बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, क्रेडिट कर देते हैं अपने बैलेंस को डिक्रीज करने के लिए। और उसके बाद अपना बैलेंस आप निकालते हैं कि हमारा बैलेंस बैंक में कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, ये जो बैलेंस आपका आपकी कैश बुक के अंदर शो हो रहा है एज़ पर बैंक, कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम में जो आपका बैलेंस शो हो रहा है, क्या इस बैलेंस को बैंक से टैली भी होना एक्चुअल में चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपकी बैंक के कॉलम यहाँ पे शो करती है कि इसे आपने 1,00,000 रुपये जमा कराए और उसके बाद टोटल 60,000 रुपये निकाल लिए, जब जब पैसा जमा कराया टोटल इस महीने में, मैं कहता हूँ 1,00,000 रुपये आपने जमा कराया और इस महीने में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए जिसमें से कितना पैसा यहाँ से निकाल लिया गया, 60,000 रुपये, बताओगे यहाँ पे बैलेंस कितना शो होगा। आपको कहोगे सर 40,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर शो होना चाहिए। अब मेरा आपसे फिर से सवाल है, क्या ये बैलेंस एक्चुअल में बैंक के बैलेंस से भी टैली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप बैंक से एक स्टेटमेंट मंगाते हैं, बैंक की स्टेटमेंट को हम पासबुक का नाम बोल सकते हैं, पासबुक भी बोल सकते हैं और बैंक की स्टेटमेंट। अच्छा, अगर बैंक से स्टेटमेंट मंगाएं और वहाँ पे शो हो रहा हो कि भाई तुम्हारा बैलेंस 30,000 है, कुछ अजीब फील करोगे या नहीं करोगे? क्यों भाई, अजीब क्यों फील करोगे? कैश बुक कह रही है 40,000 का बैलेंस और बैंक की स्टेटमेंट में बैलेंस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30,000 रुपये। अच्छा, फिर तुम एकदम से कंप्लेंट करोगे या उसको एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि भैया अपनी एंट्री और उसकी एंट्री में कोई मिसमैच तो नहीं? बताइए क्या करोगे, एकदम से कंप्लेंट कर दोगे? क्या करोगे आप, टैली करने की कोशिश करो, भैया गड़बड़ कहाँ पे हो गई, मेरे बैंक के अंदर बैलेंस 40,000 और बैंक की स्टेटमेंट में बैलेंस कितना है, 30,000, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी, हो सकता है मैंने टोटल में गलती कर दी और हो सकता है बैंक ने भी कोई गलती कर दी, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप एकदम से कंप्लेंट नहीं करोगे, सबसे पहले उसकी हर एंट्री को किससे टैली करोगे, अपनी कैश बुक में लिखी अपने हाथ से लिखी एंट्री से टैली करोगे, नहीं करोगे? और इस ड्यूरेशन में आपको कुछ रीजन मिल सकते हैं जिसकी वजह से मिसमैच हुआ है, मतलब समझ आ रही बात है। तो जब आपके पास बैंक से स्टेटमेंट आ जाएगी, मैं फिर से बना देता हूं यहां पे एक साथ में बैंक की स्टेटमेंट भी। अच्छा, बैंक की स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या कैश कॉलम भी नजर आएगा? बैंक वाले को आपके कैश के कॉलम से क्या लेना देना है? जो बैंक की आपकी स्टेटमेंट होती है जिसको मैं क्या नाम बोल रहा हूं, पासबुक,
उसके अंदर सिर्फ कौन सी डिटेल मिलेगी जो बैंक के साथ डील हुए, मतलब ओनली आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वहाँ पे टैली होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप जिसे डेबिट करते थे ध्यान रखना बैंक उसे क्रेडिट करेगा। जब तुम बैंक में पैसे जमा कराते हो तो उसे तुम अपनी क्या मानते हो, अपनी एसेट ना। बैंक बैलेंस, बैंक वाले भी उसे अपनी एसेट मानेंगे क्या? अरे बैंक को तुम कर्जा दे रहे हो, बैंक में पैसे जमा कराने का मतलब बैंक के ऊपर क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तुमने 1 लाख रुपए जमा कराए, तुम्हारी ये बन गई एसेट, लेकिन बैंक वाले के ऊपर क्या होगी, वापस करने की लायबिलिटी। इसलिए जो तुम्हारे लिए असेट है वो उसके लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। इसलिए जिसे तुम डेबिट कर रहे हो उसे वो यहाँ पे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा तुम्हारा बैलेंस प्लस करने के लिए। तो जो तुम्हारा 1 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट है वो पासबुक में किधर नजर आएगा तुम्हें, क्रेडिट साइड में नजर आएगा। तुम्हारी असेट बैंक के ऊपर लायबिलिटी, और जब तुम पैसा निकालोगे तो तुम्हारी असेट खत्म हो जाएगी, उधर बैंक की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। आखिर उसने 1 लाख रुपए तो देने, तुमने उसमें से 60,000 रुपए निकाले, तो बैंक के ऊपर कर्जा कम नहीं हो गया? तो जब तुम्हारी एसेट कम होती है तो तुम क्रेडिट करते हो, पासबुक में जब उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी माइनस करने के लिए वो क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। वो 60,000 रुपए उसे क्या करने चाहिए, डेबिट करना चाहिए। और तुम्हारा जो इसके अंदर डेबिट बैलेंस था उतना ही बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस इसका तुम्हारा बचना चाहिए। क्लियर है? बड़ी वाली साइड जिसकी होती है उसी को हम बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, लिखते तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे, लेकिन बड़ा टोटल किसका आ रहा था, डेबिट का। इसलिए बोलते हैं इसे क्या पुकारते हैं, डेबिट बैलेंस। और इसे क्या बोलेंगे, कौन सा बैलेंस है तुम्हारा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्रेडिट टोटल बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपकी दोनों एंट्री क्रॉस होंगी चेक भी, आपका डेबिट पासबुक में कहाँ पे टैली होगा, क्रेडिट में, और आपका क्रेडिट पासबुक में कहाँ पे टैली होगा, डेबिट में। क्लियर है? अब हम एक एक एंट्री को टैली करना शुरू करेंगे। समझ में आएगा क्यों करेंगे शुरू, क्योंकि हमारा बैलेंस वहाँ पे किसी वजह से पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे बैलेंस कितना शो हो रहा है, 30,000 रुपये का बैलेंस शो हो रहा है। तो कंप्लेंट करने से पहले ज़रूरी है कि एक एक एंट्री को टैली कर लेना, और जो भी रीज़न निकले डिफरेंस के उन सबको कहीं पे नोट डाउन भी करना जरूरी है। करना जरूरी है या नहीं करना, कंप्लेंट करने से पहले लिस्ट तो बना लो भैया कहाँ कहाँ गलती की है बैंक वाले ने, हो सकता है बैंक वाले ने गलती की और हो सकता है तुमने गलती की। अगर तुमने गलती की है तो अपने अकाउंटेंट से बोलो वो ठीक कर ले, और अगर बैंक ने गलती की है तो उसको बताओ कहाँ कहाँ पे उसकी गलती है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए इन गलतियों को ठीक कराने के लिए हमें अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एक जगह पे नोट डाउन करना पड़ेगा कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक हुई है, एरर हुई है, ओमिशन हुई है, कुछ भी हुआ है, अगर डिफरेंस क्रिएट हुआ है कौन कौन से कारण है डिफरेंस को क्रिएट करने के, उन डिफरेंस के कारणों को एक जगह लिखने को ही हमारे चैप्टर का नाम है, वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, बैंक का बैलेंस जो आपकी कैश बुक बोल रही है वो, और बैंक का बैलेंस जो पासबुक बोल रही है वो, ये दोनों आपस में टैली नहीं हो रहे हैं, दोनों में आ गया है डिफरेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं इस डिफरेंस के उन सभी कॉजेज को, उन्हीं कारणों को एक जगह पे नोट डाउन कर लेना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात ये? अच्छा अब कैसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी, सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री हुई है और पासबुक में कौन कौन सी एंट्री हुई है, और जो एंट्री टैली कर जाएंगी क्या उन्हें स्टेटमेंट में लिखेंगे, ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे। हमें तो कारण ढूंढने कौन से, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को इस स्टेटमेंट में जगह मिलेंगी जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और वो एंट्री या तो सिर्फ कैश बुक में ही होगी पासबुक में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, या तो सिर्फ पासबुक में ही होगी और कैश बुक में एंट्री नहीं मिल रही होगी। तो ऐसी सारी एंट्री हमारी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आ जाएगी, और ऐसी एंट्री भी आ जाएंगी जिसके अंदर वैल्यू में डिफरेंस है। हो सकता है एक एंट्री तुमने 10,000 की यहाँ पे इशू की, वही एंट्री एकदम शो तो हो रही है लेकिन 10,000 की जगह वहाँ पे 11,000 की होगी, डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जो डिफरेंस की एंट्री है उन्हें यहाँ पे हम शो करने वाले। कॉन्सेप्ट मीन समझ में आ गया, कारण क्या है इसको बनाने का समझ में आ गया, कि टैली अगर हमारी कैश बुक और पासबुक नहीं होगी तो हमें उसको टैली कराना जरूरी है। अब कैसे ये टैली करने का वर्क शुरू होता है समझाने के लिए आपके नोट से एक क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट उसी के थ्रू हम इसको समझेंगे। पेज नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती है उसमें क्या क्या चाहते हैं हमें शो करनी होती है। मैंने यहाँ पे एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का रफ ड्राफ्ट बना लिया है, जिसके अंदर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं सबसे पहले लिख दिया है, उसके बाद इसमें एज ऑन डेट लिखी जाती है, भाई कौन सी डेट पे आपने बैंक की स्टेटमेंट को टैली किया पता होना चाहिए ना, हर महीने आती है बैंक की स्टेटमेंट, तो
तो ये डिफरेंस कौन से महीने की कौन सी तारीख को था, ये दिखाने के लिए आप हमेशा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के साथ क्या लिखते हैं भाई, कौन सी तारीख की बैंक स्टेटमेंट को हमने टैली किया और मिसमैचेस नजर आए, ठीक है, इसलिए एज ऑन डेट डाली जाती है। उसके बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आपको लिखना पड़ेगा कि आपका कैश बुक में या पासबुक में कितना बैलेंस अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना बैलेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दोनों को आप पर्टिकुलर में शुरुआत के लिए यूज़ करेंगे और एंड के लिए यूज़ करेंगे, और बीच में कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि वो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर किसी डिफरेंस से आपका बैलेंस प्लस होता है तो आप प्लस वाले साइड में लिखेंगे, और अगर आपका बैलेंस माइनस होना चाहिए तो आप उसे माइनस वाले साइड के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सारा का सारा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे टैली करने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक टैली नहीं करूंगा तब तक मैं एंट्री कैश फ्लो सॉरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में नहीं डाल सकता। इसलिए मुझे किस किस की जानकारी होनी चाहिए कि भाई कैश बुक के अंदर क्या हो रहा है, और मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए कि सेम चीज़ों का पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पासबुक का मतलब बैंक की स्टेटमेंट, ठीक है। एक चीज़ और मैं हिंट के लिख देता हूँ कि यहाँ पर प्लस और माइनस जो है वो क्या होते हैं, डेबिट होने से प्लस और क्रेडिट होने से माइनस, लेकिन पासबुक में प्लस और माइनस रिवर्स फॉर्म में चलेंगे। प्लस और माइनस का तरीका उल्टा रहेगा, प्लस होने पर क्रेडिट और माइनस होने पर डेबिट साइड में चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। और हमें हर हाल में क्या चाहिए, हमें कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर चाहिए, हमें डिफरेंसेस नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली लेकिन वो क्वेश्चन में तुम्हें पूरी कैश बुक और पासबुक उठा के नहीं देगा, वो तुम्हारा काम आसान कर देगा, वो कैश बुक और पासबुक में वो सारी एंट्री छांट के दे देगा जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है। तो आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट वो एंट्रीज बताऊंगी जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, और आपको उसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले कैश एट बैंक शोन बाय कैश बुक। भाई हमारी कैश बुक हमने खोल के देखी है और महीना खत्म जब हो गया तो वहाँ पे बैलेंस कितना निकल के आया है, 7,500। तो हमें पता चल गया कि हमारी कैश बुक के अंदर 7,500 का बैलेंस है। इसे टैली होना चाहिए, किससे होना चाहिए, पासबुक से टैली होना चाहिए, पासबुक में भी 7,500 ही होने चाहिए। चलो पता नहीं पासबुक में कितने हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें क्या पता है। हमें पता है सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई कैश बुक के अंदर जो बैलेंस है वो हमारा 7,500 है, और बैलेंस हमेशा किसका माना जाता है कि प्लस का बैलेंस है, हमारा बैंक में पैसा डिपॉजिट है 7,500, ठीक है जी। अब देखते हैं इसके अंदर आगे क्या हुआ। पहली जो एडजस्टमेंट उसने दिया है वो बी एडजस्टमेंट है, जिसमें लिखा है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड ₹800। इस एक महीने में आपके साथ एक घटना घटी है कि आपने किसी पार्टी को ₹800 का चेक इशू तो कर दिया, ड्रॉ करने का मतलब बना के दे देना, बना के आपने दिया। अच्छा मेरे को बताइए, अगर आप अकाउंटेंट है कंपनी के और आप किसी को चेक बना के देते हैं तो क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस बात को शो करोगे कि नहीं करोगे कि हाँ जी हमने पेमेंट कर दी है उसकी, कर दिया। आप फौरन अपनी कैश बुक के अंदर इस बात को रिकॉर्ड कर दोगे हमने पेमेंट थ्रू चेक कर दी है, और जब आपने चेक से पेमेंट की होगी तो कैश बुक के बैंक कॉलम में ज़रूर उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया होगा। कहाँ पे क्या होगा, प्लस करने के लिए यूज़ किया होगा इस एंट्री को, बैलेंस के माइनस माइनस कर दिया होगा आपने बैंक बैलेंस। कैश बुक का यहाँ पे मतलब सिर्फ बैंक कॉलम ही है, ठीक है, मुझे सारी बातें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी कैश बुक में इसे शो कर दिया होगा कि भैया हमने पेमेंट कर दिया, आपके लिए तो पेमेंट हो गई है, अब उसकी मर्जी जब मर्जी बैंक से जाके वो पैसे निकलवाए, ठीक है ना। आप उसके पीछे पीछे थोड़ी भागोगे भाई पैसे बैंक से जाके निकलवा ले निकलवा ले निकलवा ले, ऐसे थोड़ी कहोगे। आपने उसको चेक दे दिया, आपका काम खत्म, और आप अपने बुक्स में शो भी कर दिया कि हमने पैसे तेरे दे दिए, क्लियर है बात। अच्छा लेकिन इसमें क्लियर लिखे नॉट प्रेजेंटेड, मतलब समझे इस बात का, अभी तक वो बैंक में वो चेक लेकर ही नहीं पहुंचे। हमारे हिसाब से तो हमने चेक दे दिया और हमारे हिसाब से तो पेमेंट हो भी गई है, लेकिन अगर वो बैंक में अभी तक पहुंचा नहीं है तो क्या पासबुक के अंदर बैंक की स्टेटमेंट में भी आपको ये पैसे निकल गए नजर आएंगे क्या? आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बैंक में पहुंचा ही नहीं अभी तक। जब पहुंचा नहीं तो बैंक की स्टेटमेंट में कैसे वो एंट्री नजर आएगी। अच्छा इसमें कौन गलत है, आप गलत है, आपने गलत एंट्री रिकॉर्ड की है, बैंक गलत है, उसने एंट्री रिकॉर्ड की है गलत है, वो कोई भी गलत नहीं है। भाई ये चेक लेकर आएगा तो हम एंट्री करेंगे, बैंक वाला बोलेगा भैया गलती हमारी क्या, उसको बोलो चेक बैंक में डाल दे हम पैसा दे देंगे, और हम भी गलत नहीं, हमने तो हमारे हिसाब से पेमेंट कर दी है, हमने तो एंट्री रिकॉर्ड कर लिया है। ये एक ऐसा कारण जिसमें गलत कोई भी नहीं, लेकिन डिफरेंस तो क्रिएट हो ही रहा ना, तो आपको इसको भी नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक ऐसी भी एंट्री है जो कि गलत तो नहीं है, लेकिन इवन देन बैंक की पासबुक में फिलहाल थोड़े दिन के लिए डिफरेंस रहेगा, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें इसे एंट्री को कैश बुक के और पासबुक को मिलाने के लिए यहाँ पे शो करना ज़रूरी हो गया, ठीक है। अच्छा अब शो करने के लिए यहाँ पे क्या इफेक्ट लेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है।
आपने देखिए शुरुआत किससे की है, कैश बुक से। तो आप आखिर में अपना बैलेंस अपने से टैली करोगे क्या, किससे टैली करोगे? अगर आपने कैश बुक से अपने अपना बैलेंस शुरू किया तो उसको किससे टैली कराने की कोशिश करोगे? आप ऑब्वियसली टैली उसे पासबुक से कराओगे, और अगर पासबुक के बैलेंस से शुरू किया होता तो उसको दोबारा पासबुक से टैली कर दोगे। किससे टैली करोगे? कैश बुक से। हमेशा ध्यान रखना, टैली दूसरे से किया जाता है। तो अगर आपने कैश बुक से शुरुआत की हुई है तो आपको इसे किससे टैली कराना है? पासबुक के बैलेंस से टैली कराना है कि भाई उसमें बैलेंस कम है ज़्यादा है जो भी है, लेकिन उसको टैली हो जाना चाहिए। ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो टैली ना रहो। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मेरा टारगेट कौन सी बुक का बैलेंस है। कौन सी बुक का बैलेंस है आपका टारगेट? आपका टारगेट इस समय पासबुक का बैलेंस आइडेंटिफाई करना है कि पासबुक में कितना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना? तो जो टारगेट बुक के अंदर इफेक्ट पड़ा है इस एंट्री का, सेम वही इफेक्ट आप अपने पास यहां पे शो कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर इस एडजस्टमेंट के कारण हमारी टारगेट बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है तो आप भी अपनी कैश बुक में उतना बैलेंस फिलहाल के लिए बढ़ा के दिखा दीजिए, और अगर इस एडजस्टमेंट के कारण वहां पे बैलेंस कम हो रखा है तो तुम भी अपना बैलेंस, यहां पर कोई डेबिट क्रेडिट तो हम कर नहीं रहे, रफ स्टेटमेंट बना रहे हैं, कम शो कर दीजिए, जिससे कि फिलहाल के लिए वो कैश बुक और पासबुक आपस में क्या हो जाए, टैली हो जाए। तो मुझे बताइए इस एंट्री के कारण फिलहाल पासबुक में 800 रुपए का बैलेंस कम शो हो रहा होगा कि ज्यादा शो हो रहा होगा? कम होगा। हमने अपने पास कम कर दिया, वहां पे कुछ भी कमी नहीं हुई, वहां पे वही बैलेंस इंटैक्ट है, लेकिन हमने अपने पास बैलेंस कम कर दिया। तो कंपैरेटिवली अगर यहां पे 10,000 है तो वहां पे 9,200 नजर आएंगे क्या? कितने नजर आ रहे होंगे? मेरे पास अगर यहां पे 10,000 तो वहां पे 10,800 होंगे, क्योंकि वहां से तो बैलेंस निकला ही नहीं। मेरे पास से बैलेंस निकला, उधर से तो बैलेंस निकला नहीं। तो इसका मतलब इस एंट्री के कारण अगर मेरा बैलेंस कम हो गया, इसको मैं दूसरे की भाषा में क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास कम है मतलब दूसरे के पास ज्यादा है, सिंपल सा लॉजिक। या तो साफ साफ दूसरा बोल दे भैया मेरे पास फालतू है। अगर दूसरा नहीं बोलता और तुम्हें अपना पता है तो जो तुम्हारे पास है दूसरे के पास उसका अपोजिट होगा। तुम्हारा बैलेंस अगर शॉर्ट है इसका मतलब इसका बैलेंस एक्सेस होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका आप क्या मानेंगे? भैया टारगेट बुक में इस समय 800 रुपए ज्यादा हो रखे होंगे, क्योंकि टारगेट बुक में 800 रुपए ज्यादा हो रखे होंगे, हमें उसी से तो टैली करना है। हम भी उसे कहां पे शो करेंगे? प्लस के कॉलम में शो करेंगे। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे बी एडजस्टमेंट है, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक ड्रॉ तो कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, वैसे ही हमें आज एक कोई चेक मिला है। जैसी चेक मिला वो दोपहर को 1 बजे चेक मिला और हमें बैंक में ही जाना भी था उसी वक्त। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये चेक भी हम बैंक में जमा कराते जाएंगे। अब आपको पहली बार चेक अगर मिल गया तो चेक लेते ही किसी कस्टमर से आपको चेक मिल गया, आप बताइए अपनी कैश बुक में एंट्री शो करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहेंगे पेमेंट आ गई, पेमेंट आ गई। और क्या शो करेंगे? आप अपनी कैश बुक में इस एंट्री को प्लस कर देंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। लिखा है चेक पेड इन टू बैंक, मतलब बैंक में भिजवा दिया। भिजवाने के लिए आना जरूरी ना हमारे पास पहले। तो हमने कितने का चेक बैंक में भिजवा दिया? यहाँ पे 200 रुपए का चेक भिजवा दिया बैंक में। अब बैंक में हम गए और वहां पे ड्रॉप बॉक्स में डाल भी दिया और घर पे आ गए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे तुम ड्रॉप बॉक्स में जमा करा दोगे और जाके घर पे वापस लौट के अगर इंटरनेट बैंकिंग खोल के अपना बैलेंस देखोगे तो वहां पे बैलेंस अब तक तो बढ़ चुका होगा, है ना? बढ़ गया होगा बैलेंस। क्यों भाई? तुमने तो जमा भी करा दिया और तुमने अपनी कैश बुक में एंट्री भी कर दी, लेकिन पासबुक में अभी वो जमा हो गया है, क्यों नहीं हुआ? 2-3 दिन लगते हैं, आपको भी पता है 2-3 दिन लगे वहां पे क्लियर होगा, उसके बाद जमा होगा। अब तुम बीच में अगर बैंक की स्टेटमेंट निकालोगे तो बताइए मिसमैच आएगा दोनों में या नहीं आएगा? वही बात वो बोल रहे हैं, नॉट येट गेट क्रेडिटेड। अभी तक वो क्या हुआ? क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब समझ रहे ना? देखो यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। वहां पे अभी तक ये प्लस नहीं हुआ। अच्छा, कौन गलत है? हम गलत हैं कि हमने एंट्री कर दिया, कि बैंक वाला गलत है कि उसने एंट्री नहीं किया? गलत कोई भी नहीं, अपनी जगह दोनों सही है। हमने जमा करा दिया, हमारा फर्ज, हमने एंट्री कर दी, उसको अभी तक चेक क्लियर नहीं किया उसने, तो उसने भी एंट्री नहीं किया। दोनों एंट्रियां गलत है नहीं है? दोनों एंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन इवन देन मिसमैच तो क्रिएट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसे रिकंसिलेशन में डाल के हम टैली कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट पासबुक है, पासबुक है। तो बताइए इस एंट्री के कारण हमारी टारगेट बुक में बैलेंस फिलहाल कम शो रखा होगा कि ज़्यादा शो रखा होगा? कम हो रखा होगा। हम अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब दूसरा
कम है, हमें बात हमेशा दूसरे की करनी है, या तो दूसरा बोल दे मैं कम हूँ या ज़्यादा हूँ, और दूसरा नहीं बोल रहा तो हम अपने आप को देखेंगे हमारा बैलेंस बढ़ गया मतलब इसका बैलेंस घटा हुआ होगा, उसके पास 200 रुपये कम शो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 200 रुपये माइनस में शो कर देंगे, रीज़न लिखेंगे क्या, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कि वो भी क्रेडिट नहीं किया गया। लास्ट इसमें है बैंक चार्ज इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, भाई बैंक ने अपने कोई सर्विस चार्जेस लगा दिए। अब नॉर्मली सर्विस चार्जेस का तो हमें तब पता चलता है जब बैंक की स्टेटमेंट देखते हैं, उससे पहले तो हमें क्या पता कौन सी सर्विस चार्जेस बैंक ने कब लगा दिए, कभी कभी SMS आते हैं और लोग उसको ध्यान भी नहीं देते। तो बैंक ने एक सर्विस चार्जेस लिए और हम क्या मान के चलेंगे, अगर उसने ये कॉलम में दी एडजस्टमेंट इसका मतलब हमें इस बात की जानकारी नहीं होगी, वरना वो डिफरेंस जब खोज के दे रहा है सारे तो उसने इस एंट्री को लिखा ही ना होता अगर हमें इस एंट्री का पता होता। तो बैंक ने बताइए सर्विस चार्जेस ले लिए हैं, तो बैंक ने इसे कहाँ पर शो कर दिया होगा, कहाँ पर शो हो रहा होगा भैया, हमारी कैश बुक में भी शो हो रहा होगा क्या, नहीं हमें तो पता ही नहीं, कैश बुक एंट्री हम खुद करते हैं और हमें तो पता ही नहीं, लेकिन पासबुक में तो शो हो रहा होगा, वहां पे हमारा बैलेंस क्या कर दिया गया होगा, माइनस कर दिया गया होगा 10 रुपये, भैया चार्जेस ले लिए 10 रुपये, और हमें इस बात की जानकारी नहीं, इसलिए हमारी कैश बुक में एंट्री आई नहीं होगी। वैसे हमारी मिस्टेक है, हमें अपने कैश बुक के अंदर एंट्री कर देनी चाहिए, लेकिन एंट्री बाद में करेंगे, फिलहाल टैली तो कर ले, उसके बाद एंट्री करवा देंगे, जो हमारी गलतियां होंगी उन्हें हम ठीक करेंगे, जो बैंक की गलतियां होंगी उसे बैंक को बताएंगे। यहाँ पे सारी चीजें आएंगी, यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्री भी आएंगी जिसमें किसी की गलती नहीं है। तो बताइए अब इस समय तो टारगेट खुद ही बोल रहा है कि मैं कम हूं, मुझे अपने आप से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, उससे साफ बोल दिया भैया मेरा बैलेंस 10 रुपये कम हो गया, इसका मतलब मुझे भी टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये माइनस की साइड में डालना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, क्या रीजन है भाई, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने चार्जेस तो ले लिए लेकिन एंटर नहीं हुए कैश बुक में, ठीक है, इसमें बात शो भी हो रखी है साफ साफ। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब इतनी गलतियाँ हुई थी या एरर हुए थे या ओमिशन हुए थे, हम चेक करते हैं हमारे प्लस में टोटल कितना आया एक्स्ट्रा और माइनस कितना हुआ एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, कितना हो गया, ये टोटल हो गया 8300, वही 8300 यहाँ पे भी डाल देते, और 8300 में माइनस कितने का हुआ है 210 रुपये, तो कितना बचना चाहिए 8090 रुपये बैलेंस बचना चाहिए। कहाँ पे बैलेंस बचना चाहिए, ये होना चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक, कि भाई पासबुक के अंदर हमारा 8090 बैलेंस है, बस में तो कैशबुक इस समय आपका क्या बैलेंस शो करी होगी 7500, और इसी समय पासबुक खोल के बैठोगे तो उसमें कितना बैलेंस नजर आओगा 8090, दोनों में डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है उसकी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया, भैया 3 कारण है जिसकी वजह से डिफरेंस है, इसमें से एक हमारी मिस्टेक भी है जिसे हम खुद दूर करेंगे, बाकी 2 रीजन इसमें ऐसे हैं जो कि कोई मिस्टेक नहीं है, जो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इससे आपको घबराहट नहीं होती कि भैया बैलेंस पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस क्यों हो गया, बैंक को आप अननेसेसरी परेशान नहीं करते, अननेसेसरी कंप्लेंट नहीं करने जाते आप बैंक के अंदर, और आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलता है, ठीक है। तो हर महीने के आखिर में ये स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए जिससे कि जो भी मिस्टेक अगर हुई है वो पता चल जाए, हम अपने बैंक के अकाउंट को ठीक कर लें, और अगर बैंक की मिस्टेक है तो बैंक को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। क्लियर है, कंप्लीट है।